बेड ही देखना आराम से आना। एक भाई देसी चीज दिखा दे। देसी बंदी की रेंज में और विदाउट 6000 लेस। साइड टेबल 6000 की आ रही। हाँ जी। ओके। ट्रेंडिंग ये वाला। वो सेम रेट पर। ये। देसी देख रहे हैं 10 किलो। देखिए ये प्लेन में ये तो बहुत देसी। ये सही तो उखड़ जाएगी चार दिन बाद तुझे। क्वेश्चन है क्या इसमें? ये सोफा कम बेड है। आशीर्वाद बना रहेगा सर पे फोटो लगने से बिल्कुल बिना दिमाग के बात करो वो पिंक वाला मिला लो पिंक वाला अच्छा लग रहा है वैसे इसमें कलर कोई और होता तो ये भी अच्छा इसकी साइड से है ये ये बताओ ये वाला वो नहीं ये वाला अरे भैया हमने ये बोल दिया तो अब सब 10000 वाला बैंड कहां है तो चलो वो बात करते हैं 10 वाला में हां तो इधर 10 बैंड 11 अच्छा हमारे पास जो कमर्शियल बोर्ड है खूब देख सकते हैं पूरा खूब ऊपर से कमर्शियल के ऊपर देखने लगा ये इसे पॉलिश के लिए पॉलिश की फिनिशिंग आ जाए अच्छा हिंदुस्तान दो ही बोर्ड लाते हैं बाकी और भी बोर्ड बहुत आते हैं सस्ते आते हैं लेकिन हम लगाते हैं मलेशिया बोर्ड और हिंदुस्तानी The next morning. कल इतना ज़्यादा मार्केट में हम लोग घूम रहे थे और कल मार्केट में घूम घूम के इतना थक गए हैं कल हम लोग बैट देख रहे थे एक्चुअल में हमें एक बैट लेना था तो काफ़ी हम लोगों ने मार्केट सर्च की अलग अलग दुकानों पे गए अलग अलग तरीके के उन लोगों ने बैट दिखाए मतलब लाइक उसमें यही नहीं समझ में आ रहा कौन सा मटेरियल कौन आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि मैं किस मटेरियल का बैड लूं। A few moments later. अप्रोक्सीमेट 3 दिन हो गए हैं हम लोगों ने अभी तक अपनी मछलियों को फीड नहीं किया है लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था ये चीज़ कि जब भी आपकी मछलियाँ बीमार हो तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि इनकी डेली मेडिसिन और ये चीज़ें आपको यूज़ करनी है अब जैसे कि मैंने 3 दिन से इन्हें खाना नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आप खुद अपने आप को भी कंपेयर करिए कि आप अगर 2 या 3 दिन से भूखे हैं राइट तो कहीं ना कहीं आप भी वेट करेंगे खाने का जब आपको खाना मिलेगा तो आप बहुत स्पीड में खाएंगे है ना एक्चुअली कड़वा होता है ना तो कच्चा गार्लिक तो हम भी नहीं खा पाते हैं हम भी उसको रोस्ट करते हैं तब खाते हैं सब्जी में खाते हैं तो ऐसे नहीं खा पाते ये भी कच्चा गार्लिक खाना पसंद नहीं करते हैं लेकिन अगर आपने फीड नहीं दिया है इनको तो इनकी मजबूरी होगी इन्हें भूख लगेगी ना तो ये गार्लिक खाएंगी और जब ये गार्लिक खाती हैं तो इनका जो टमी होता है वो क्लीन होता है पेट साफ होने की वजह से जो भी इनको अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं फिर वो क्लीन अप हो जाती हैं और ये रिकवर करने लगते हैं इसलिए इनको मैं गार्लिक देती हूँ जब ये बीमार होते हैं लेकिन गार्लिक तब देती हूँ जब फीड नहीं कराती हूँ फीड करा देंगे तो ये गार्लिक नहीं खाएंगे ये छुएंगे भी नहीं गार्लिक ऐसे ये गार्लिक खाएंगे थोड़ा बहुत
A few minutes later. हाथ मेरे इस फ्रिज के अंदर से ला लूंगी, अभी देखना आप कितने ज्यादा लाल हो जाएंगे। पहला पराठा गाय का है, गाय में मिलती है इसलिए छोटा सा बना देते हैं। गोभी किसी को दे देते हैं।